आज हम लोग HTML के अंदर टेबल का टैग लगाना सीखेंगे, टेबल बनाना सीखेंगे, कॉल स्पैन, ब्रू स्पैन और बॉर्डर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने HTML की बेसिक बॉडी बना ली है, जिसके अंदर HTML का टैग सबसे पहले लगाया, उसके अंदर हेड का टैग है, हेड के टैग के अंदर टाइटल का टैग लगाया, हेड के टैग की क्लोजिंग के बाद हमने बॉडी का टैग लगाया, उसके अंदर हमने एक हेडिंग दी है जिसके अंदर हमने पैशनेट डेवलपर्स लिखा। इसके बाद ऐसे हम टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम लोग टेबल का टैग लगाते हैं। टेबल के टैग के अंदर रोज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम TR का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब है टेबल रोज़, और TR के अंदर हम टेबल की डायमेंशंस या टेबल के डिवीजंस बनाते हैं, जिनको हम TD से शो करते हैं। एक रो के अंदर हम लोग अनलिमिटेड डायमेंशंस बना सकते हैं। पहली डायमेंशन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आइटम 1 से लिस्ट कर देती हूँ। जब F5 करूँगी यानी कि रिफ्रेश करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास आइटम 1 शो हो रही है, बट यह सिंपल शो हो रही है, मुझे पता नहीं चल रहा कि ये आया टेबल है या नहीं है। इसके लिए मैं टेबल के टैग में जाके एक एट्रीब्यूट लगाऊंगी बॉर्डर का, और इसकी जितनी मुझे विड्थ देनी होगी उसके मुताबिक मैं न्यूमेरिकल वैल्यू दे दूंगी। यहाँ पर मैं 1 वैल्यू देती हूँ और यहाँ पर जाके रिफ्रेश करूँगी तो मेरे पास एक रो के अंदर एक कॉलम बन गया। अब मुझे इसी रो के अंदर दूसरा कॉलम चाहिए तो मैं यहाँ पर आइटम 2 लिस्ट कर दूँ। मेरे पास एक ही रो के अंदर दो कॉलम्स आ गए, यानी एक रो के अंदर दो मेरे पास कॉलम्स की डिवीजंस आ गई। मुझे यहाँ पर एक तीसरी डिवीजन चाहिए तो मैं यहाँ पर आइटम 3 के नाम से एक तीसरी डायमेंशन बना दूँगी। अब एक रो के अंदर तीन मेरे पास आइटम्स आ गए, अब मुझे अपनी चौथी आइटम सेकेंड रो के अंदर चाहिए तो मैं सिंपल अपनी पहली रो की क्लोजिंग के बाद दूसरी रो की ओपनिंग और क्लोजिंग लगाऊँगी। अब ये मेरी सेकेंड रो है, सेकेंड रो के अंदर मैं सेकेंड रो की डायमेंशन या टेबल डिवीजन लिखूंगी, जिसके अंदर मैं अपनी आइटम 4 को आइटम 5 को और आइटम 6 को लिस्ट करूंगी। अब यहाँ पर मेरे पास दो रोज आ गई हैं और हर रो के अंदर तीन डायमेंशंस आ गई हैं। अगर अब मुझे तीसरी रो चाहिए तो मैं सिंपल तीसरी रो के लिए TR की ओपनिंग और क्लोजिंग लगाऊंगी और इसके अंदर टेबल डायमेंशन लगाकर अपनी आइटम नंबर 7 को लिस्ट करूंगी और आइटम नंबर 8 को लिस्ट करूंगी। देन यहाँ पर आइटम 9 को लिस्ट करूंगी। यानी एक रो के अंदर मैं तीन तीन डायमेंशंस बना रही हूँ और इस टाइम मैंने तीन रोज बना ली हैं और हर रो के अंदर तीन डायमेंशंस बना ली हैं। अब मैं एक और रो बनाती हूँ जो कि मेरी चौथी रो है, उसके अंदर मैं अपनी आइटम 10 को लिस्ट करती हूँ। लेकिन अब यहाँ हो क्या रहा है, मेरी आइटम 10 मेरे पहले कॉलम के अंदर आ रही है और मेरे बाकी जो दो रिमेनिंग कॉलम है वो एम्प्टी जा रहे हैं। मुझे क्या करना है, अपने आइटम 10 के इस कॉलम को अपने बाकी दो कॉलम्स के भी इक्वल करना है, तो उसके लिए मैं सिंपल अपने TD के टैग में जाऊंगी और मुझे अभी कॉलम्स के इक्वल करना है तो मैं यहाँ पे कॉल स्पैन लगा दूंगी 3, यानी मेरे एक कॉलम को इक्वल कर दो उसकी विड्थ को तीन कॉलम्स के। तो इसने क्या किया, मेरी आइटम 10 के कॉलम को इक्वलाइज कर दिया तीन कॉलम्स के, यानी कि मेरे पहले दूसरे और तीसरे तीनों कॉलम्स के अंदर उसने एक ही कॉलम को मर्ज कर दिया, जिसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कॉल स्पैन का। इसके बाद मुझे अब नेक्स्ट रो चाहिए तो मैं एक नेक्स्ट TR और TR की क्लोजिंग लगाऊंगी। उसके बाद TD के अंदर यानी कि टेबल डायमेंशन के अंदर मैं अपनी आइटम 11 को लिस्ट कर देती हूँ और आइटम 12 को लिस्ट कर देती हूँ। मेरे पास यहाँ पर दो आइटम्स आ गई हैं। इसके बाद एक और मैं रो बना लेती हूँ और उसके अंदर मैं अपनी आइटम 13 को लिस्ट कर देती हूँ। अब मुझे करना क्या है, मुझे अपनी इस आइटम 12 को अपने इन 11 और 13 वाली आइटम की रो के इक्वल करना है। अब मुझे दो रोज के इक्वल अपना एक कॉलम चाहिए तो मैं इसी आइटम वाले कॉलम के अंदर जाकर
रोज स्पैन लगाऊंगी क्योंकि इस बार मुझे कॉलम्स के नहीं रोज के इक्वल करना है। तो मैं सिंपल जाकर आइटम 12 वाले टीटी के अंदर रोज स्पैन लगा दूंगी 2 का, क्योंकि मुझे अपनी 2 रोज के इक्वल करना है उसको। अगर मुझे इसी अपने कॉलम को, आइटम 12 वाले कॉलम को अपने 2 कॉलम्स के इक्वल करना है, तो मैं सिंपल इसी में जाकर कॉल स्पैन भी लगा दूँगी कि इसको मेरे 2 रोज और 2 कॉलम्स के इक्वल कर दो। तो अब उसने क्या किया, मेरे आइटम 12 वाला जो कॉलम था उसको 2 रोज के और 2 कॉलम्स के इक्वल कर दिया। बहुत सिंपल था, एक टेबल क्रिएट करना और उसके अंदर कॉलम्स को और रोज को मर्ज करना। अपकमिंग लेक्चर में हम लोग फर्दर लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि HTML के अंदर लिस्ट किस तरह से क्रिएट की जाती है।